मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th वाले बच्चे, सिटी हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे जैसे एक पाठ हमने देखा, अब एक काव्य यहाँ पे हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे कबीर का पहला काव्य है, तो सबसे पहले हम कबीर का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। उनका जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किविदंतियाँ हैं। किविदंतियों का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे कि अलग अलग प्रकार की बातें, उनके जन्म और मृत्यु को लेकर कोई एक बात निश्चित नहीं है, अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच में बातचीत होती है। अब यहाँ पे भी ऐसे कबीर का जन्म जो है ये काशी में हुआ ऐसा कहा जाता है, और 1518 के आसपास मगहर में उनका यहाँ पे देहावसान हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पे उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया गया है। कबीर ग्रंथावली, बीजक जो है वो उनका कहानी, मतलब ये काव्य संग्रह है जो बहुत ही प्रचलित है। उनकी कुछ एक रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया कि कबीर के ये जो काव्य है बच्चों को भक्ति, वैराग्य, सत्संग, साधु महिमा उसमें विशेष देखने को मिलती है। कबीरदास कभी स्कूल में जाकर शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की, उन्होंने गली गली घूमकर इस तरह से दोहे गाकर ही लोगों को जागृत करने का काम किया। अब यहाँ पे बच्चों, हम जो काव्य पढ़ने वाले हैं, इस काव्य में यहाँ पे सबसे पहले साखियाँ, एक एक साखी पढ़ेंगे और इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। पहली साखी, मान सरोवर सुबर जल हंसा केलिन कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न जाहे। मतलब यहाँ पे मान सरोवर में रहने वाले हंस स्वच्छ और निर्मल जल में रहते हैं, वो मुक्त रूप से खेल रहे हैं और मुक्त रूप से मोती चुन रहे हैं, और इस जगह को छोड़कर वो किसी दूसरी अन्यत्र जगह पे नहीं जाना चाहते। यहाँ पे पहले में बताया गया है मान सरोवर में रहने वाले हंस, हंस यानी आत्मा, आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन होना चाहती है, परमात्मा की शरण में गई है। अर्थात कोई भक्त जो है ईश्वर की भक्ति करता है और ईश्वर की भक्ति में मुक्त रूप से खो गया है, वो अपने ईश्वर को छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। दूसरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत कोई। यहाँ पे कबीरदास ने कहा है कि मैं संसार में स्नेह को ढूंढने जाता हूँ लेकिन मुझे ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलता। ईश्वर, यहाँ पे ईश्वर कहते हैं मैं संसार में सच्चे भक्त को ढूंढ रहा लेकिन मुझे कोई सच्चा भक्त नहीं मिलता। लेकिन जब ईश्वर को कोई सच्चा भक्त मिल जाता है तब वहाँ पे विष भी अमृत के समान हो जाता है। वापस एक बार, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत कोई। यहाँ पे ईश्वर संसार में सच्चे भक्त को ढूंढते हैं, उनको कोई सच्चा भक्त नहीं मिलता, लेकिन जब ईश्वर को सच्चा भक्त मिल जाता है तब अमृत विष भी अमृत के समान हो जाता है। तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमार। यहाँ पे हाथी के ऊपर बैठकर चढ़ जाने वाला इंसान, उसके पीछे कुत्ते भोंकते रहते हैं, हाथी आगे चलता है मदमस्त चाल में और कुत्ते भोंकते रहते हैं। संसार भी ऐसा ही है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञानी इंसान जो है वो समझ लो हाथी के ऊपर सवार होकर घूम रहा है। सहज डुलीचा डारी, उसके ऊपर जो कालीन भी बिछा है वो भी ज्ञान रूपी है। स्वान रूप संसार है, स्वान यानी कुत्ता, ये संसार जो है वो कुत्ते के समान है। भूखन दे जखमारी, उनका काम क्या है कि लोगों की चुगली करना। हम अपने जीवन में बच्चों आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें आगे बढ़ते जाना है, दुनिया की परवाह नहीं करना। चौथा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। हम यहाँ पे जो भेदभाव करते रहते हैं उसके कारण हम जग को भूल गए हैं, संसार को भूल गए हैं। तेरा मेरा करने के कारण हम इस संसार को भूल गए हैं, धर्म अधर्म करने में हम इस संसार को भूल गए हैं। निरपक्ष, निरपक्ष यानी निष्पक्ष होकर जो ईश्वर की प्रार्थना करता है सोई संत सुजान, वही इंसान सज्जन इंसान कहलाता है। जो इंसान तेरा मेरा तू मैं या धर्म अधर्म नहीं करता है वो इंसान जग को भुला बैठा है, और जो निरपक्ष, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की प्रार्थना करता है वो इंसान सज्जन कहलाता है। पांचवा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट ना जाए।
कबीरदास ने इस पंक्ति में बताया है कि हिंदू राम का नाम जपता है, मुसलमान खुदा का। कबीर कहते हैं, इंसान जीवित है तब तक यहाँ पे ईश्वर की यहाँ पे सच्चे मन से प्रार्थना करता, दोहू निकट ना जाए, अर्थात दोनों ही निकट नहीं जाएंगे, अर्थात हम तेरा मेरा करेंगे, ये तुम्हारा धर्म ये मेरा धर्म ऐसा करेंगे, दोनों जो है यहाँ पे खामखा अपने धर्म का डंका बजाते हैं, लेकिन दोनों ही निष्पक्ष हो जाएंगे तो यहाँ पे दोनों ही ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकते हैं। कबा फिरी काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जी। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि काशी की भी यात्रा की, हिंदू जो है काशी की यात्रा करते हैं, मुसलमान काबा जाते हैं, वो उनका पवित्र स्थान होता, हिंदू राम का नाम जपता है, मुसलमान रहीम का। लेकिन यहाँ पे उनकी बुद्धि जो होती है, यहाँ पे कहा गया है कि ईश्वर का भजना है उसकी भक्ति करना, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा नहीं करना। कबीरदास ने ये बात हमें बताई, मोट चून मैदा भया, जो आटा होता है वो कितना यहाँ पे बारीक होता है, मैदा भी देखो कितना बारीक होता है, भक्ति भी उसी प्रकार से बारीक है, लेकिन उसकी महिमा को इंसान को समझना है। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंची ना हो, सुग्रन कलश सुरा भरिया साधु निंदा सु। कबीरदास ने यहाँ पे कहा, कोई भी इंसान ऊंचे कुल में जन्म लेने से उसके कर्म ऊंचे नहीं हो जाते हैं। जो सोने का यहाँ पे सुग्रन कलश सुरा भरिया, यानी कि जो सोने का कलश होता है उसमें अगर शराब भरी जाती है तो भी वो निंदा की पात्र होती है। मतलब ऊंचे कुल में जन्म लेने से इंसान कोई ऊंचा नहीं होना चाहिए हो जाता है, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उस इंसान की सम्मान किया जाता है। सोने के पात्र में भी शराब भरोगे तो वो यहाँ पे निंदा का पात्र ही बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। अब बच्चों आगे का जो है नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे वाला। अब यहाँ पे हम यहाँ तक देखते हैं, यहाँ पे रुकते